भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रतलाम दौरा, पत्रकारों से चर्चा में निकाय चुनाव, टिकट वितरण और रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की घोषणा को लेकर कही बड़ी बात। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने टिकट वितरण संबंधी एवं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर जवाब भी दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरीय निकाय में भाजपा प्रत्याशियों की आयु सीमा निर्धारण पर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, जहां तक कि संगठन की नियुक्ति में भी आयु सीमा का कोई नियम, लेकिन भाजपा युवाओं को आगे लाना चाहती है, इसलिए मंडल अध्यक्ष 40 वर्ष तक की आयु के बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के टिकट देते समय जीतने की क्षमता को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्याशी स्वच्छ छवि वाले हों, लेकिन टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता होगी। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा जीवंत संगठन है, बूथ की समिति व बूथ अध्यक्ष भाजपा संगठन का आधार है। मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन पूरे देश में आदर्श है। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद वे पूरे प्रदेश में संगठन को व ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए विभिन्न जिले का प्रवास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका रतलाम प्रवास है। रतलाम प्रवास में जहां वे संगठन के युवा पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, वहीं भाजपा के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में भेंट कर उन्हें समझाइश भी दे रहे हैं। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने कहा, जल्द ही अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बढ़ती महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने उत्तर दिया कि पुरानी सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थ में भाव बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है, पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी तरह पेट्रोलियम के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही देश में वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाए और पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें जनता को दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए कार्यरत हैं। विंध्य किरण के लिए रतलाम से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। आम बड़ा मुद्दा है, ऐसे समय अगर आप निकाय चुनाव में जा रहे हैं तो क्या जनता को विश्वास दिलाएंगे कि इन मुद्दों पे आम मध्यम वर्गीय परिवार जो सबसे ज्यादा भाजपा का वोटर है, बिल्कुल बिल्कुल उसको कैसे राहत मिलेगी? आपका प्रश्न मैं समझा हूँ, आपने बहुत ठीक कहा है। पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में बहुत गंभीरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक दिन बयान दिया है कि इस देश के अंदर जो एक प्लानिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर जब एक अप एंड डाउन होते हैं तो उनको आगामी रणनीति इस पर काम कर रही है। अभी कई प्रकार के काम अभी हमने देश के अंदर हम अपना पेट्रोल कैसे इसको लेकर के करेंगे प्रोसेस है, वो काम भी शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे वैज्ञानिक जैसे कोविड के वैक्सीन पर काम कर रहे थे, जैसे इस पर भी काम चल रहा है और जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और खासतौर पर महंगाई वगैरह के बारे में इस पर भी ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे शासन कालों में कभी इस प्रकार की चीज न हमने होने दी, न हमने कभी इन चीजों से लोगों को प्रभावित होने दिया और कभी नहीं होने देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने तो आत्मनिर्भर भारत के अभियान में स्किल के आधार पर देश के नौजवानों को केवल नौकरी नहीं, नौकरी जहां दे सकते हैं, जहां देनी चाहिए वो तो है ही, आज अपना काम स्वयं कैसा खड़ा करेंगे, आज इसमें इतिहास भारत के अंदर बनना प्रारंभ हुआ है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जो रणनीति माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बनाई है, मध्य प्रदेश के अंदर हमने उसका रोड मैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जारी किया है, उसमें नए नौजवानों को इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी और अवसर देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है और आगामी समय में भी इसको बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे।